सही पटी हुई गाड़ी है। तो भाई लोग कैसे हो। तो यार वेलकम दी बैक और स्वागत है आपका एक और गलत सीन से भरे पड़े गेम प्ले में। मतलब भैया इसमें ना आप बोलोगे यार कि मैं बंदों से लड़ाई कर रहा हूँ या जोन से लड़ाई कर रहा हूँ। मतलब इतनी बुरी हालत हो जाती है कि क्या ही बताऊँ भैया। जोन पीछा नहीं छोड़ता और हम फंसते ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे जोन का डैमेज लेना पड़े। खैर वो सब आगे जाके होता रहेगा, फिलहाल के लिए हम नोवो आ रखे हैं और नोवो में उतरते ही मुझे वही सस्ती गन मिलती है यार, UMP 45 का। समसे बोलते समय भी अजीब सा लग रहा है 45। अब मैं UMP 45 से एक बंदा नॉक करता हूं और उसका टीममेट भागने लग जाता है, तो उसका भी पीछा करके पकड़ लेता हूं उसे भी कतई। अब माना कि यार UMP 45 एक बहुत ही ज्यादा सस्ती गन है, लेकिन यार निहत्ते बंदों को मारने के लिए ये भी काम आ जाएगी। ठीक है, पिस्टल भी काम आ जाती है यार निहत्तों को ठिलाने के लिए, वो अलग बात है। कभी कभी मुक्कों से आपको पेल दिया जाता है, मेरे साथ बहुत बार हुआ है। खैर वो सब छोड़ो, अभी मैंने दो बंदे नॉक किए हैं और इनका एक और टीममेट मुझे इधर की साइड दिखता है। मतलब बेहरा उससे भाई उसके फुटते पा रहे होते तगड़े तगड़े और बक्के चल दिया होता है वो इधर पे। तो मैं पहले इसे फिनिश करता हूँ फिर उसके पीछे पड़ता हूँ जो जिंदा है। अब पहले ना मुझे इस भाई से कद्दू डरने लग रहा था, ठीक है। उसके बाद मैंने देखा भाई के हाथ में शॉटगन, तब भी डर लगना नहीं चाहिए था। फिर मैंने अपना टकला देखा कि भाई उसमें सिर्फ सफेद टोपी पड़ी है और हेलमेट है नहीं भैया मेरे पे। तो इस वाले बंदे को तो मैंने पेल दिया जो शॉटगन के साथ था, प्लस ये आगे जिसको अभी नॉक किया वो शायद बॉट बूट ठिला रहा था, तो उसको पकड़ लिया कतई और पीछे एक बॉट भी ठिला दिया मैंने। मतलब भाई बहुत लो था वो बॉट भी, है ना, कतई किल मिल गई। मेरे टीममेट ने लो करके रखा था उसे और मैं किल ले गया उसकी। और यहाँ पे इस भाई को रिवाइव दिया जा रहा था, भैया रिवाइव रिवाइव खेल रहे थे, लेकिन मैंने देखा यार नॉक बंदा है, तो पहले मैंने उसे फिनिश किया, फिर देखा यार कोई रिवाइव भी दे रहा है तो उसको भी पकड़ के ठिला दिया। और यहाँ पे भाई कतई फ्री की किले मिल रही है भैया, नॉक नूक पड़े हैं बंदे तो सबको मैं ठिला देता हूँ। और इनका एक और बंदा है जो इधर की साइड है जिधर मैं देख रहा हूँ, और उतने में ही मौली की आवाज़ आती है भाई, कतई आग का गोला फेंक रहे होते हैं हम पे। तो भाई मौली मूली कर रहे थे, है ना, काफी बढ़िया चीज है यार। मतलब कंटेनर के अंदर फंसे हैं, मौली कर दो भाई, आग से जला दो। लेकिन उतने में क्या हुआ, मैंने सुन ली मौली की आवाज, मेरे टीममेट ने भी सुन ली, हम दो वहां से निकल चुके, ठीक है। उसके बाद निकलने के बाद मैंने फ्लैंक किया लेफ्ट साइड और भाई के बिल्कुल बगल में जाके ठिला दिया। भाई को पता भी नहीं चला कि भाई हो क्या गया, उन्होंने एक गोली चलाई मेरे पे, लेकिन यार एक गोली से क्या होगा। तो इनको हम लूट लेते हैं ना, लूट बहुत ही ज़्यादा सस्ती है हम पे अभी, गोली गोली उतनी ज़्यादा है नहीं और UMP 45 है मेरे पे, ठीक है। तो इससे सस्ती क्या लूट होगी यार, UMP 45 पड़ी है। खैर मेरे पे एक स्कारेल भी होती है थोड़ी गोलियों के साथ, तो उसे भी इस्तेमाल करता हूँ थोड़ा। अब देखो स्कारेल से एक बंदे की पेटी बनाई, दूसरे को मैं डैमेज देके आगे भग ही रहा था कि M4 वाला बंदा भी वहीं पे था, ठीक है। तो तीन बंदे होते टोटल, एक को तो मैंने कतई पेटी बना के लॉबी पहुंचा दिया, या भाई स्पेक्टेट वगैरह कर रहे होंगे, और दो बंदे अभी और बाकी हैं। अब एक और भी हो सकता है यार, फुल स्क्वाड हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो वो लोग हम पे रश करते हैं, लेकिन मैं पीछे की साइड आ जाता हूँ ना, पोजीशन भैया बदल दी, क्योंकि वहीं बैठे रहेंगे तो वो लोग आराम से आएंगे भैया पेल पूल के निकल लेंगे, ठीक है। वो जो हमारी सस्ती लूट है ना वो भी नहीं छोड़ेंगे, वो लोग लूट के भग लेंगे वहां से। तो वहां से मैंने पोजीशन चेंज कर लिया, UMP 45 मेरे हाथ में। मतलब भैया गलत ही सीन हो रखे हैं यार, और वो बंदे भी कतई तैयार नहीं है भाई TPP छोड़ने के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, हम लोग दूसरी साइड आ जाते हैं और मैं बोलता हूँ यार मैं चढ़ जाता हूँ इसके ऊपर, करेन के ऊपर, ठीक है, कतई ऊपर से हाइट एडवांटेज लेके पेलूंगा इनकी, ऐसी तैसी करूंगा। और जैसी मैं ऊपर जाता हूँ मैं देखता हूँ यार मेरे पे तो गोलियां ही नहीं है, मतलब स्कारेल वगैरह पड़ी है, ठीक है स्कारेल से मैं पेल सकता हूँ थोड़ा लॉन्ग रेंज, लेकिन स्कारेल की गोलियां खत्म हो जाती हैं भाई। अब मुझे बंदा दिखता है, मैं स्प्रे देता हूँ और गोली खत्म, ठीक है। अब मेरे पे UMP 45 पड़ा है तो मैं क्या ही उखाड़ लूंगा इससे। अब जैसे तैसे करके मैं दो चार गोलियां ठिलाता हूँ बंदों पे, ठीक है, बहुत कम गोलियां लगती हैं,
लेकिन यार कम से कम लगती तो है, डैमेज तो होता है, लेकिन कोई नॉक होके नहीं देता। उसके बाद मेरी गोली भी खत्म हो जाती है, तो यार क्या ही कर सकते हैं। स्कारेल खाली पड़ी है, दूसरी गन है यूएमपी जिसमें बहुत ही कम गोली पड़ी है, ठीक है। इस इतनी गोलियों से तो एक बंदे की पेटी तक नहीं बनेगी, ठीक है, पेटी तक नहीं बनेगी एक बंदे की, तो पूरी स्क्वाड क्लच करना, क्या कद्दू क्लच करूंगा मैं। तो यहाँ पे मैं ऊपर आता हूँ, ठीक है, एक बंदा मेरे टीममेट के सामने आ चुका होता है, तो मैं बोलता हूँ यार इसको नेट किया जाए, क्या पता गलती से नेट साथ दे जाए। टेंशन मत लो, इतनी बढ़िया किस्मत नहीं है, नहीं देता नेट भी साथ नहीं देता, तो हम यहाँ से कट लेते हैं भाई, ठीक है। मैं बिल्कुल भग रहा होता हूँ और अब देखो क्या ही तगड़ा स्प्रे देता है भाई बंदा, बहुत ही तगड़ा स्प्रे, देखो आप। तो भाई ने इतनी दूर से AKM पटकाई और भाई क्या ही हालत कर दी मेरी, 1 HP बची थी, वो तो अच्छा हुआ मैं इधर पे पहुंच ही गया था, नहीं तो दिक्कत हो जाती, रास्ते में होता ना भाई तो अभी तक ठिल चुका होता। तो यहाँ पे हमारी दिक्कतें शुरू हो चुकी हैं। देखो अब हम इन्हें छोड़ के तो भगेंगे नहीं, ठीक है, मैं भगने वाला था, फिर मेरा टीममेट बोलता है यार ऐसे कैसे यार, इन्हें ठिलाना तो बनता है। तो मैं बोलता हूँ कि यार ठीक है, तो गाड़ी उठाता हूँ मैं, बोलता हूँ यहाँ पे नहीं लड़ेंगे क्योंकि भैया उन पे कतई गन गुन है, सब कुछ है। मेरा टीममेट मुझे M16A4 दे देता है काफ़ी गोलियों के साथ, जो कि काफ़ी बढ़िया है, और हम लोग इधर पे आ जाते हैं, उनका वेट कर रहे हैं, उनका वेट कर रहे हैं कि वो लोग आए और हम ठिलाएं। और जैसे हम थोड़ा पास पास जाते हैं भैया, हमें डार्सिया की आवाज़ आ जाती है। तो देखो अब मेरे पे ऑटोमेटिक गन तो है नहीं जिससे मैं दूर स्प्रे दे पाऊँ, वो भी गाड़ी पे, लेकिन जो भी है उससे काम चलाओ स्प्रे दे ही देंगे, ठिला ही देंगे। तो देखो यार सबका टाइम आता है, ठीक है, इसमें भी यही हुआ, पहले इन लोगों का टाइम था जब इन पे लूट थी अच्छी खासी, AKM पटका रहे थे, हमें भगा भगा के पेलने की कोशिश की जा रही थी, ठीक है। अब हमारा टाइम आया, इन्हें भगा भगा के पेला, और एक बंदा तो भग ही गया, मतलब भाई उसको शायद हम बाद में पकड़ लेंगे, वो पता नहीं मुझे वही बंदा होता है कि नहीं, लेकिन भाई एक बंदा भग चुका है, दो बंदे में ठिला चुका हूँ, ठीक है। तो लूट अब अभी यहाँ पे थोड़ी बहुत लूटते हैं, एक बंदे की लूट मिलती है, दूसरा बंदा भैया गायब हो जाता है, मतलब भाई वो किधर गया, भाई की पेटी किधर बनी, हरा धुआं किधर निकला, कोई आइडिया नहीं भाई, कद्दू कुछ नहीं पता चलता। तो हम लोग बोलते यार देखो इनको देखते रहेंगे बाद में, है ना, क्योंकि ये सीन तो चलता रहेगा, लूटना लूटाना चलता रहेगा। तो यहाँ से मैं गाड़ी उठाता हूँ, है ना, और मुंह उठा के आ जाता हूँ जोन में, और जोन में आते ही फ्लेयर भी चली होती है आगे, और मेरे टीममेट ने मुझे कतई बैरिल दे दी होती है जो उसने टपाई थी, है ना, जो रोड में बंदा ठिलाया था उससे। तो बैरिल है अभी, काम चला लूट है, और एक बंदा भी मिल चुका है जो बाइक में बैठ के भैया रेडी है निकलने के लिए, बिल्कुल रेडी। और जिस हिसाब से ये बंदा डायरेक्ट किल हुआ ना, मुझे लग रहा है ये वही है जो भग गया था वहां से, जो हमारे सामने गाड़ी लेके भग गया था, वो शायद यही था, है ना, भाई ने बाइक वाइक बदल ली होगी क्योंकि भैया डायरेक्ट किल मिल गई, और था भी यहीं पे जोन के अंदर, तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो भी हो अपने को क्या, अपन को लूट से मतलब है। तो ठिलाने के बाद मैं पेटी पे जाता हूँ भाई की, और दे दबा दब स्क्रीन पे हाथ मारने लगता हूँ ताकि जो भी लूट हो भाई की मैं टपा लूँ। तो आधी लूट मैं दे देता हूँ, अब थोड़ी बहुत लूट अपने टीममेट को, है ना, भाई पे बैंडेज मार रहे होते यार, कतई बुरे ही सीन हो रखे हैं। और उसके बाद हम आ जाते हैं वहाँ पे जहाँ पे फ्लेयर चली है, और भाई हालत इतनी बुरी होती है कि दूर जो मुझे गाड़ी दिखती है उस पर मुझे UMP 45 से स्प्रे देना पड़ता है। तो आप समझ ही सकते होगे यार कि हालत कितनी बुरी हो चुकी है लूट की। अब बैरल वहां पे चलाऊं भैया, रिकॉइल इतना महंगा कि यार एक भी गोली नहीं लगने की। खैर एक बंदा दिखता है मुझे, तो मैं उस बंदे को डैमेज तो काफ़ी देता हूँ, लेकिन यार सिर्फ डैमेज देने से कद्दू कुछ नहीं होने वाला, और हम पे नेट आना चालू हो जाते हैं। तो मैं बोलता हूँ भैया यहाँ से निकलो, ये बगल में जो ये बान हाउस होता है ना भाई, यहाँ पे आके मैं बैठ जाता हूँ और स्प्रे देता हूँ UMP 45 से, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे सीन क्या है, यहाँ पे चली है फ्लेयर, तो ऐसा तो होगा नहीं कि यार एक ही टीम आएगी, यार नहीं, दो तीन टीमें आएंगी बिल्कुल, और लड़ाई भी होगी बिल्कुल, और लड़ाई तो चलती रहती यार, लेकिन जोन भी भाई हमसे लड़ाई कर लेंगे। खैर वो आगे होने वाला है भैया, गलत सीन होने वाले हैं। अब अंदर गोलियां चल रही है, ठीक है, किस पे चला रहे हैं मुझे नहीं पता, मेरे ख्याल से दो टीम आ चुकी हैं पहले से ही, और ऊपर एक बंदा भी दिखता है मुझे, तो उसे मैं स्प्रे देने की सोचता हूँ, और स्प्रे किससे दे रहा हूँ यार आप ही देख लो, ठीक है, UMP 45 से 4x लगा के स्प्रे दे रहा हूँ भैया, कद्दू क्या ही उखाड़ पाऊंगा मैं, लेकिन क्या ही कर सकते हैं ना, अब जो है उसी से काम चलाना पड़ेगा। तो उसको तो मैं कुछ नहीं कर पाता नॉक नूक, लेकिन ये जो घर पे बंदा होता है ना भाई, वो बंदा पीक करता है मेरे पे।
तो UMP 45+4X है, मैं भाई को नॉक कर देता हूँ भाई। मतलब बोलने में भी अजीब लग रहा है, UMP 45+4X भाई, क्या ही सस्ते कॉम्बिनेशन है। खैर हम रस कर देते हैं, और यार उस नॉक के लिए यार एक लाइक तो कर दो, ऐसी इतनी गरीबी छा रखी है, गोली गन कुछ नहीं है यार, एक लाइक ही ठोक दो, कसम से मजा आ जाएगा। अब ऊपर वाला बंदा चटक बन के नेट कर रहा होता है, तो मैं भी चटक बन के ऊपर जाता हूँ और भाई को नॉक कर देता हूँ, और भाई अंदर रस कर देते हम कतई दैड़ पैड़। और इन दोनों की पेटी बनाने में ना भैया हम लेट नहीं करते, क्योंकि क्या पता कब तक जिंदा रहे, है ना, क्या पता इनके टीममेट आ ही रहे होंगे, जो कि आ ही रहे हैं, दिक्कत मतलब। और मेरे ख्याल से इनके टीममेट के साथ साथ दूसरी टीम भी आ रही है, इसलिए टोटल गलत सीन होने वाले भैया। अब होगा रस अपने पे, ठीक है, जो रस को संभालने की कोशिश पूरी करेंगे हम। अभी देखो मुझे आगे जो ये छोटा सा घर है ना, ये सस्ता सा घर भाई, इस घर का तो नाम भी नहीं पता मुझे, कसम से जानना भी नहीं है। तो यहाँ पे बंदे के फुटस्टेप आ रहे होते हैं, असल में वो बंदा बाहर होता है लेकिन रेड जोन भाई को अंदर आने में मजबूर कर देता है। तो मैं नेट फेंकता हूँ, बहुत ही सस्ता नेट, दूसरा नेट फेंकता हूँ और तीसरा भी फेंकता हूँ, तीनों नेट से कद्दू कुछ नहीं उखड़ता, ठीक है। तो वो भाई किस कोने में बैठा है मुझे नहीं पता, लेकिन अब हम पे थोड़ी सी, ठीक है, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी ठीक ठाक लूट मिल जाती है। और करेट में AWM पड़ी थी भाई, उस टाइम इतनी गलत सीन हो रहे थे ना कि यार ध्यान में भी नहीं रहा कि यार AWM उठा लूं, सोचो क्या ही हालत हो रखी होगी। अब मैं उनके एक बंदे को नॉक करता हूँ, ठीक है, AUG से, अपने सस्ते स्प्रे से, और भाई वो मेरे टीममेट को नॉक कर देते हैं। तो अब रश होने वाला है और मेरा क्रॉस यार भाई सिर्फ CD पे रहेगा, ताकि सीधा पेल दूं मैं। अभी देखो यहाँ पे एक बंदे को मैं पेल देता हूँ, ठीक है, दूसरा बंदा मुझे नॉक कर देता है, लेकिन उसको मेरा टीममेट काफ़ी सारे ही डैमेज देके वापस भेज देता है। अब देखो सीन क्या है, हम फिलहाल के लिए सेफ हैं, क्यों, क्योंकि मैंने एक बाहर भी नॉक किया है बंदा जो कि रिवाइव नहीं हुआ है, और अंदर एक बंदा और नॉक कर दिया है जो कि रिवाइव हो रहा होगा। तो हम अपन हील कर लेते हैं आराम से, और मैं नेट कर देता हूँ भाई, 3 के 3 नेट मैं CDO में फेंक देता हूँ, ताकि जैसे ये लोग अगर रस करने का सोचें, जो कि ये सोचेंगे नहीं क्योंकि उनकी भी बुरी हालत हो रखी है, इसलिए क्योंकि जोन आ चुका है, तो वो लोग भागने की कोशिश करते हैं ना, स्प्रे वगैरह हम देते हैं, वो लोग भागने की पूरी कोशिश करते हैं। और गेम के टाइम मैं सोचता हूँ कि यार ये लोग भाग क्यों रहे हैं, मतलब लड़ाई क्यों नहीं करना चाह रहे। थोड़ी देर बाद पता चलता है कि भैया जोन भैया आ चुके हैं और डैमेज देंगे, अब लात मार के भगाएंगे यहाँ से। लेकिन भाई मैं तो फुल जोश में था लड़ाई के, ठीक है, और लड़ाई का जोश अब ठंडा हो जाएगा, क्योंकि जोन भाई डैमेज जो देगा ना भाई, वो बहुत ही अलग लेवल पे होगा। तो मैं स्प्रे देता हूँ, वो लोग भाग निकलते हैं, मैं बोलता हूँ यार इतनी तेजी से क्यों भाग रहे हैं, कि क्या हो गया, छोटा जोन हो गया क्या बहुत। उसके बाद अभी मैं मैप खोलूंगा, देखना भाई आप बोलोगे भैया ये तो गलत ही सीन हो चुके हैं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा गलत। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ यार हम भी चलते हैं, क्योंकि डैमेज थोड़ा सा ज़्यादा होने लगा है, सीन क्या है। और ये फटी सी गाड़ी होती है, देखो अपने पे कोई और ऑप्शन नहीं है, यही लेके भागना पड़ेगा, और यही लेके मैं भागने की सोचता हूँ, लेकिन गड़बड़ हो जाती है रास्ते में ही भाई, बिल्कुल ही। अब पहले ना मुझे लग रहा था कि मैं ही अकेला बनता हूँ जो बहुत ही ज़्यादा ढीठ है, जो जोन की बात भी नहीं मानता, लेकिन भाई मुझे क्या पता था यहाँ पे 3 मेरे जैसे और ढीठ बंदे हैं, जो बिल्कुल वेट कर रहे थे हमारे निकलने का। तो इन लोगों पे हील हुल होगी, है ना, हम गाड़ी से भाग रहे थे, इन्होंने स्प्रे दिया, भैया मेरे पे थी AUG तो सस्ता सा स्प्रे दे दिया मैंने, 2 बंदे ठिला चुका हूँ। अब देखो वो वाली गाड़ी हम उठा नहीं सकते, क्योंकि यार उसमें एक बंदा कोई बॉट भी गोली पेल देगा ना उस गाड़ी में, वो गाड़ी फट जाएगी, ऐसी तैसी हो जाएगी, और चिकन डिनर भैया भूल जाओ, बिल्कुल गलत ही सीन हो जाएंगे उस गाड़ी में बैठने से। अब क्या होता है, देखो इनके जो 2 बंदे मैं पेल चुका हूँ, पेटी बना दी गई है मेरे टीममेट ने, भैया बिल्कुल चमक रही है पेटी, लूटने का क्या ही मन कर रहा है यार, लेकिन मैं लूट नहीं सकता। और यहाँ पे मैं उनकी गाड़ी टपा के भग जाता हूँ भाई, मतलब बहुत ही गलत यार, पहले उनके 2 बंदे भी ठिला दिए और उसके ऊपर से उनकी गाड़ी लेके भग गया मैं। तो अब वो भाई जोन कैसे आएगा, क्यों आएगा, कब आएगा, आएगा कि नहीं यार मुझे नहीं पता, और मेरे पे कसम से टाइम भी नहीं था पता करने का। तो देखो यहाँ पे हमारी हेल्थ काफ़ी लो होती है, तो मैं बोलता हूँ यार एक फर्स्ट एड मार लो। और अगर आपने मैप खोला था मैंने अभी, अगर आपने देखा होगा तो भाई जोन कितना छोटा हो चुका है भाई, मतलब ये यहाँ पे देख के ना मेरी फट गई थी,
मेरे घर के अंदर नहीं फटी थी, जब रस हो रहा था ना तब मेरी नहीं फट रखी थी यार, लेकिन जब मैंने जोन देखा ना भाई, ये इतना ज़्यादा छोटा हो गया भैया, मेरी फट के चार हो गई थी। तो मैं बिल्कुल बूस्ट में भगा रहा हूँ, ये पूछ रहा हूँ अपने टीममेट से कि भैया जाऊँ कहाँ, कौन सी जगह से लूँ। तो भैया मैं मैप मूप में मार्क कर लिया है, ये जो रोजॉक के बगल में ये जो ब्रिज जैसा होता है ना छोटा सा, एक बार यहाँ पे भी ब्लॉक था ब्रिज, भाई गलत ही सीन यार, बंदे कहीं पे भी ब्रिज ब्लॉक लगा देंगे। तो यहाँ से हम निकल लेते हैं और जून में भैया कैसे तैसे पहुँच जाते हैं। अब आपको क्या लगता है, क्या वो बंदा जिसको हमने पीछे छोड़ा वो भी पहुँच जाएगा जून में, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और यार इस चीज़ के लिए यार लाइक ठोक दो, मतलब भाई कैसे तैसे बचे हैं यार, मुझे ही पता है बहुत ही दिक्कत हुई यार यहाँ पे बचने में। तो यार लाइक जरूर ठोक देना, लाइक के बटन को ऐसे दबाओ कि ये जो साइड में नदी है ना छोटी सी, उसकी तरह नीली हो जाए। और टेंशन मत लो यार, अभी बाकी बंदे भी ठिलाएंगे और जिसको ठिलाना है वो पहले दिख चुका है मुझे बिल्कुल। अब इस बंदे को ठिलाते ही ना भाई, मैंने बोला चलो, ठीक है मैंने बोला भी नहीं, मैं चिल्लाया भाई चलो इसे लूटने, मतलब इतने बुरे हालत थे, गोली भी कम ऐसी तैसी हो रखी थी। अब यार बैरल से दूर के बंदों को कैसे ठिलाऊंगा मैं। तो हम लोग निकल लेते हैं लूटने के लिए, और क्योंकि देखो वो बंदा नॉक हुआ था तो यार संभल के लूटना पड़ेगा, क्योंकि उसका टीममेट या तो सांप बना होगा या तो यहीं कहीं कवर में बैठा होगा, तो उसका टीममेट भी दिख जाता है यार। तो AUG है मेरे पे है ना, और जो भी बची कुची सस्ती सी गोलियां हैं गन में यार, उनका काम चला के, उनसे काम चला के यार किसी तरह से पेलता हूँ मैं इस बंदे को। तो ये बंदा डायरेक्टली किल हो गया है ना, तो अभी के लिए अपने को डर थोड़ा कम है, क्योंकि हो सकता है यही उसका टीममेट हो और ये डायरेक्टली किल हो गया और यहाँ पे कोई ना हो। तो अपन लोग यहाँ पे दबा के लूटते हैं, ठीक है। फिर भी मैं अपने टीममेट को बोलता हूँ भैया एक आध स्मोक कर दो, क्योंकि अगर गलत सीन हो गए ना भाई तो गड़बड़ हो जाएगी। और आप सोच रहे होगे कि मैं इस पेड़ के बगल में क्या कर रहा हूँ, तो पहले मुझे लगा इस पेड़ के बगल में पेटी पड़ी होगी, बाद में पता चलता है दूसरे पेड़ के बगल में होती है। और यहाँ पे भी मैं वही चीज़ करता हूँ जो मैंने पहले करी थी, ठीक है, मतलब आँख बंद करके दे दबा दब हाथ मारता हूँ अपनी स्क्रीन में, ताकि जो भी लूट हो बची कुची वो मेरे बैग में आ जाए यार, थोड़ा तो काम चलाऊंगा आगे जाके, स्प्रे तो दूंगा तमीज से। तो उसके बाद भी गोलियाँ मेरे पे कमी है ना, लेकिन मेरे टीममेट ने ढेर सारी उठा ली है, तो दिक्कत है नहीं यार, भाई से उधार ले लेंगे। और ये उधार ऐसा होगा जिसे वापस मैं कभी नहीं चुकाने वाला, कद्दू भी वापस नहीं करने वाला मैं एक भी गोली। अभी यहाँ पे आते आते क्या होता है, मेरा टीममेट एक गाड़ी स्पॉट करता है और गाड़ी के बगल में भैया बंदे लेटे होते हैं। तो हम इधर की साइड आते हैं, मैं देखता हूँ यार इस यहाँ से तो एंगल ही नहीं मिल रहा है ना, एक सेकंड, अंग्रेजी में कहते हैं उसे एंगल, हाँ यहाँ से तो एंगल ही नहीं मिलता है लेकिन मेरे टीममेट को मिल जाता है। अब यहाँ पे एक बंदे की तो पेटी बन जाती है भाई, दूसरे बंदे को इतनी सारी गोली मारी थी ना, मतलब भाई की आधी HP बची होगी, जैसा मेरे साथ नोवे में हुआ था स्टार्टिंग में, भाई के वही हालत होंगे, लेकिन यार मैं उन्हें नॉक नहीं कर पाया। तो देखो अभी भी दो बंदे बचे हैं, एक स्मोक के अंदर है और एक पीछे की साइड भग लिया, ठीक है। और मेरी सस्ती मैथ के हिसाब से अभी टोटल चार बंदे बचे हुए हैं, तो दो तो अपने सामने ही है, बाकी दो को यार ढूंढ लेंगे इधर उधर है ना, जो भी सीन होगा देखा जाएगा। अब देखो जोन भैया इस मैच में अपने साथ देने के लिए रेडी नहीं थे भाई, जोन फिर से शिफ्ट होता है और अपने पे नहीं होता, तो हमको भी जोन जाना है। ये लोग लगभग जोन में होते हैं, मेरे ख्याल से आधा ये लोग जोन में होते हैं या जो भी सीन होता है। तो मैं बोलता हूँ यार यहाँ से पहले ही निकल लो सस्ती फुर्सत में, क्योंकि मैं फिर से जोन का डैमेज नहीं लेना चाहता यार, मतलब मैंने इस मैच में इतना ज़्यादा डैमेज लिया है ना जोन से कि पिछले 50 मैचों में नहीं लिया होगा इतना डैमेज, या शायद ज़्यादा बोल गया, खैर जो भी हो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ जोन में, घुस जाते हैं, ये रिज होता है भाई, इसको हम पकड़ लेते हैं और रेडी हो जाते हैं स्प्रे देने के लिए तगड़ा सा बिल्कुल। अब मैं तगड़ा स्प्रे देने की पूरी कोशिश करता हूँ, ठीक है, मेरी बात का विश्वास करो, पूरी कोशिश करता हूँ, बहुत डैमेज देता हूँ, लेकिन भाई उनमें से कोई भी नॉक नहीं होता और वो लोग गाड़ी लेके रस कर देते हैं अपने ही ऊपर। अब ये लोग ना भाई कतई लड़ाई के मूड में होते हैं, मतलब ये अपनी गाड़ी लाते हैं, ये ना लेफ्ट देखते हैं ना राइट, सीधा दे पटक के अपनी गाड़ी पे मार देते हैं, ठीक है, हमारी गाड़ी पे ठोक देते हैं। लेकिन देखो इनको लगभग मैं दो गोली मारता हूँ दोनों को,
ठीक है, क्योंकि देखो इनकी हेल्थ मैंने इतनी लो कर रखी होती है ना भाई, जो सस्ता स्प्रे दिया था मैंने स्टार्टिंग में भाई, उससे बहुत ही कम इनकी हेल्थ हो रखी होती है, तो एक दो गोली में ही भाई ये लोग ठिल जाते हैं। और अभी एक ही बंदा बाकी है जो कि आगे है, और उसे पेलने के लिए भैया हम बिल्कुल रेडी हैं। मेरा टीममेट पैन लेके भगता है, और आखिरी बंदे की पोजीशन तो अपने को पता होती है ना भाई, बाइक लेके आते हैं और उस पत्थर पे दे पटकते हैं और वहीं उतर जाते हैं। तो भाई को भी ठिला दिया, इन दो को भी ठिला दिया भाई। ये लोग गलत सीन कर सकते थे अगर ये पीछे रुक के स्प्रे देते, लेकिन इन्हें डिसाइड किया कि यार हम पे ही ठोकेंगे। तो हमने बोला यार ठीक है तुम भी ठोक लो, फिर हम तुम्हें ठोकेंगे अपनी ये बैरिल से, है ना। तो बस भाई लोग यार आज की वीडियो में इतना ही भाई। इस गेम प्ले में ना भाई बहुत ही गलत सीन हो रखे थे यार, इसको जीतना बहुत ही मुश्किल लग रहा था मुझे, लेकिन जैसे तैसे करके यार चिकन डिनर निकाल ही लेते। तो बस भाई लोग यार आज की वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। देखो यार इंसानों से फाइट करते हैं ना लोग, लॉन्डो से फाइट करते हैं वो तो चलता रहता है, लेकिन इस वीडियो में कतई जोन से फाइट चल रही थी हमारी, तो यार एक लाइक तो बनता है, तो कसम से जाते जाते लाइक ठोक के चल जाना। और यार नए हो यहाँ पे तो यार सब्सक्राइब करो, और भी ऐसे ही गलत सीन वाले गेम प्ले और सस्ती कमेंट्री के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया भाई लोग यार वीडियो देखने के लिए, कल मिलते हैं, बाय बाय।